दिवाली के टाइम सबके घर में मिठाइयाँ तो जरूर बनती है, तो इस बार आप एक अलग तरह की मिठाई बनाइए और वो है मूंग से बनी हुई। जी हाँ, आपने मूंग को चावल के साथ खाया होगा या उसको स्प्राउट करके भी खाया होगा, बट आप इस तरह की बर्फी कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए आज हम बनाते हैं कुछ अलग तरह की बर्फी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिए और शेयर करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1.5 कप मूंग लिया है और इस मूंग को मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने पूरी रात इसको पानी में भिगोए रखा था। आप चाहो तो इसको 6 से 7 घंटे के लिए भी पानी में भिगो के रख सकते हो। तो 6-7 घंटे के बाद या पूरी रात इसको रखने के बाद आप देख पाओगे कि ये पानी इसने पूरा सोख कर लिया है और अच्छी तरह से ये नरम हो चुके हैं। तो बस हमें इसी तरह के मूंग चाहिए। तो आप इस तरह से बड़े वाले या छोटे वाले आपके यहाँ पे जैसे मिलते हो मूंग, आप इस तरह से ले लीजिए। मैंने थोड़े से छोटे वाले मूंग यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे एक मिक्सी जार ले लीजिए और जो मूंग थे भिगोए हुए उसे डाल दीजिए इसमें और एक दरदरा पेस्ट तैयार करिए। ध्यान रखना कि इसे आप महीन मत पीसिएगा, इसको थोड़ा सा दरदरा पीसना, जैसे वीडियो में दिखा है बस उसी तरह से इसको पीसना, तो ये बर्फी बहुत अच्छी बनेगी। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो हमारे जो मूंग थे वो भी पीस चुके हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है और उसके अंदर मैंने 4 बड़े चम्मच देसी घी डालना है और घी को भी यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने गर्म होने दिया है। उसके बाद जो मूंग की हमने पेस्ट तैयार की थी वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और हाँ, आप यहाँ पे गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना और लो फ्लेम पे ही हमें इस पेस्ट को भूनना है और इसे तब तक हमें भूनना है जब तक ये पूरा सा ड्राई ना हो जाए, यानी कि इसमें जो मॉइस्चर हो वो चला जाए, क्योंकि इसमें जो पानी रहेगा तो हमारी बर्फी जल्दी बिगड़ जाने के चांसेस है। तो हमें क्या करना है, इसको एकदम धीमी आंच पे इसको भुनना है और ये 6 से 7 मिनट के अंदर तो अच्छी तरह से ये भुन जाएगा और एकदम ड्राई ड्राई होने लगेगा। तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से पेस्ट था वो भुन चुका है और एकदम सूखा सूखा वाला हो चुका है। ये आपको दिख रहा होगा दाने दाने जैसा। तो बस इसी स्टेज पे हमें क्या करना है, दूध डालना है और ये दूध है 500 ml मैंने लिया है दूध। यहाँ पे कोई गर्म दूध या ठंडा दूध नहीं डालना है, यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला ही दूध यहाँ पे आपको डालना है और इसको हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है, बिल्कुल ही इसे लो फ्लेम पे नहीं शुरुआत में हमें पकाना है। और आप लगातार इसको चलाते जाइए वरना ये नीचे कढ़ाई या पैन में चिपकने के चांसेस होते हैं। तो लगातार इसको चलाते जाइए और पकाते जाइए। अब जैसे जैसे इसको पकाते जाओगे ये थोड़ा सा रिड्यूस होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा। उसी टाइम में आप क्या करिए, गैस की आँच एकदम धीमी कर दीजिए और इसको थोड़ा और पकाएंगे। तो बस ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है और दूध में अच्छी तरह से जो मूंग की पेस्ट थी वो भी यहाँ पे पक रही है। इसमें कोई भी मूंग का फ्लेवर नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मूंग से बना रहे हैं तो इसका थोड़ा सा टेस्ट आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा, आपको एक अलग ही फ्लेवर टेस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो आप एक बार जरूर इसे घर पे ट्राई करना। तो इस तरह से ये गाढ़ी हो जाए तो यहाँ पे आप कंडेंस मिल्क डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने 200 ml कंडेंस मिल्क लिया है, आप चाहो तो अमूल का जो मिठाई में रहता है वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। आपको कंडेंस मिल्क नहीं डालना है तो आपके पास जो मिल्क पाउडर हो तो आप मिल्क पाउडर भी इसमें डाल सकते हो और इसी से ही हम बना सकते हैं ये मिठाई। तो यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क का यूज किया है। अच्छी तरह से कंडेंस मिल्क को हम इसमें मिक्स कर लेंगे और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब उसके बाद यहाँ पे मैंने शुगर डाली है। तो शुगर मैंने यहाँ पे 1/2 कप ली है
आप थोड़ा और मीठा खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पौना कप इसमें शुगर ऐड कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये मीठा बहुत इनफ था इसके लिए। तो इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो शुगर कंडेंस मिल्क दोनों को आप इस तरह से मिला लीजिए, और जब आप शुगर और कंडेंस मिल्क डालेंगे तो ये थोड़ा सा और लूज होने लगेगा, यानी कि थोड़ा सा वो ढीला लगेगा। तो आपको और इसको पकाना है, और यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है, मीडियम हाई रखी है, और इसको लगातार मैं चलाती जाऊंगी। अब हमें इसमें क्या करना है, आपको चलाते ही जाना है और इसको पकाते जाना है। और यहाँ पे मैंने एक फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे इलायची का पाउडर डाला है, आप कोई भी रोज एसेंस या केवड़ा एसेंस का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, उसमें काजू बादाम डाला है, आप किशमिश भी डाल सकते हो या पिस्ता भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2-3 ड्रॉप्स हरे रंग के डाले हैं, और ये खाने का कलर है, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो ही डालिए, नहीं डालना हो तो भी कोई बात नहीं। आप कलर डालोगे तो थोड़ी मिठाई और कलरफुल लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी, खाने का मन होगा, तो आप इसे डाल सकते हो। और इसको धीरे धीरे पकाते जाइए, और यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, वरना ये नीचे चिपकने लगता है। तो यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम लो रख करनी है, और धीरे धीरे आप 2-3 मिनट के बाद देखोगे तो ये जो मिठाई है, आपको आप इसे जैसे जैसे चलाते जाओगे तो ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, यानी आप जिस तरह से उसको मुड़ोगे उस तरह से ये मुड़ जाती है, इस तरह के ये हो जाएगी कि हमारी मिठाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमें इसे और नहीं पकाना है। आप देख पा रहे हो एकदम स्मूथ सी ये बन चुकी है, और पैन से भी छूटने लगी है। तो बस हम यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें कोई भी मूंग का फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें कंडेंस मिल्क का यूज किया है और इलायची पाउडर डाला है। आपको एक अच्छा सा इसका टेस्ट लगेगा, आप इसको जरूर घर पे एक बार ट्राई करना। तो ये अच्छी तरह से पक चुकी है। तो यहाँ पे मैंने जो मिठाई वाला एक प्लेट आता है इस तरह का मैंने लिया है, और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है घी की मदद से, और इसमें जो पेस्ट मिठाई तैयार की है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। आप चाहो तो कोई भी इसको शेप दे सकते हो। और यहाँ पे इस तरह से मैं इसको इकट्ठी कर रही हूँ, और अच्छी तरह से इसको दबा दबा के एक लेयर तैयार कर रही हूँ। आपके पास इस तरह का टीन ना हो तो आपके पास जो भी स्टील की प्लेट होती है उस पे भी आप इस तरह से लेयर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्क्वायर पीस मुझे करना है तो इसी टीन में मैंने डाला है। तो अच्छी तरह से एक स्मूथ लेयर तैयार कर लिया है, उसके ऊपर मैं काजू और बादाम और पिस्ता डालूंगी। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना आप डाल सकते हो, और आपके पास चांदी का वरक हो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, उससे भी ये मिठाई थोड़ी और सुंदर लगेगी। तो बस यहाँ पे हाथों के या स्पैचुला की मदद से आप क्या करिए, जो ड्राई फ्रूट्स आपने ऊपर से डाले हैं उसको एकदम हल्के हाथों से प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए, यानी कि ये इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए। बस उसके बाद हमें क्या करना है, इसको 1.5 घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ देना है सेट करने के लिए। तो 1.5 घंटे के बाद हमारी मिठाई एकदम सेट हो चुकी है, और इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ, और आप देख पा रहे हो कि हमारी जो ये मिठाई एकदम सॉफ्ट बनी है। कैसी लगी ये मिठाई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताना, और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल कुक विद शगुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाल बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, और वो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।